आगाज में आपको बताएं, कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए लाहौरियों के लिए बड़ी सफर। शहर में आज पोलियो की तर्ज पर घर घर वैक्सीनेशन होगी। महकमे सेहत की टीमें घरों और मोहल्लों में जाकर वैक्सीन लगाएंगी। डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर वैक्सीनेशन मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। तफसीला जान लेते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान, बताइए। आज बिल्कुल अब एक नहीं दो दो मुहिम का आगाज़ किया जाएगा। पहले फेस में कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज़ आज 2 बजे शुरू कर दिया जाएगा और घर घर जाकर कोरोना वैक्सीनेशन करवाई जाएगी। 18 साल से ज़ायद उम्र के जो लोग होंगे उनके घर घर जाकर दस्तक दे के टीमें जो हैं कोरोना वैक्सीनेशन करवाएंगी। और उसके बाद आज 65,000 लोग शहरियों का टारगेट है और ये टारगेट जो है 10 अगस्त तक पूरा किया जाना था, मगर इस दरमियान दूसरी मुहिम भी आ गई जिसको पोलियो वैक्सीनेशन मुहिम कहते हैं। पोलियो के 2 कतरे प्लाने हैं, 2 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक, और इस दरमियान में कोरोना वैक्सीनेशन जो चलाई जानी है इसको मुलतवी किया जाना है। शेड्यूल जारी कर दिया गया है ज़िले इंतजामिया की तरफ से। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदसर रियाज मलिक से बात हुई तो उन्होंने कहा कि दोनों मुहिमें अहम हैं, मगर इससे पहले जो मुहिम चल रही है, जो हमारे आरजी वैक्सीनेशन सेंटर्स और मुस्तकिल वैक्सीनेशन सेंटर्स में चल रही हैं वो जारी रहेगी, मगर जो घर घर मुहिम है पोलियो के दरमियान इसको फ़िलहाल मुलतवी किया जाएगा 5 दिन के लिए। और 7 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक हमने 40% हदफ मुकम्मल करना है कोरोना वैक्सीनेशन का वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर। 2 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक पोलियो वैक्सीनेशन चलाई जाएगी। 17 लाख से ज़ायद जो उम्र 5 साल से कम उम्र बच्चे हैं उनको पोलियो को 2 कतरे भी पिलाए जाने हैं। दोनों मुहिम जो हैं वो बहुत अहम हैं और अगले जो 15 से 16 रोज़ होंगे ज़िला इंतज़ामिया का पूरा फोकस होगा कि इन दोनों मुहिमों को कामयाब करवाया जाए। और इस हवाले से तमाम जो शहरी हैं वो टीमों के साथ तआवुन करें और उनसे अपील है जब घर घर आएँ टीमें तो उनको फौरी तौर पर जो है रिस्पॉन्स दिया जाए ताकि उनके पास काम बहुत ज़्यादा है और उनका साथ जो है टीमों के साथ बहुत अहमियत का हामिल होगा। ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।